ओके सो हाय ओरी, हाय। फर्स्टली ये जानना चाहेंगे करण जौहर के जब कॉफी विद करण में ये आया था हु इज ओरी, उसके बाद आपका नाम कुछ ज्यादा ही हाईलाइट हो गया, दैट इज व्हाई यू चोज टू गो इन बिग बॉस हाउस, और व्हाट वाज योर मोटो? नो, दैट वाज नॉट व्हाई आई चोज टू गो इन बिग बॉस हाउस। आई विल से इंग्लिश और हिंदी में बोलेगा कि कॉफी में करण पर मेंशन मिलने से बहुत बड़ा ऑनर था। मुझे वो दिन समझा कि टीआरपी है और टीआरपी क्या है, और वो शो के पास बहुत टीआरपी है। पर नहीं, मैंने बिग बॉस पर गया क्योंकि मैं टीवी नहीं देखता है, तो मुझे पता था कि बिग बॉस रियलिटी शो है, सलमान भाई का रियलिटी शो है, पर मुझे नहीं पता था कि क्या होता है। शायद मैं उल्लू लोगों को सोचेगा कि मैं उल्लू है, कैसा नहीं पता हो बिग बॉस क्या है, हाउ डज ही नॉट नो व्हाट बिग बॉस इज, मुझे नहीं पता था। सो एक दिन किसी ने पूछा, यू नो यू आर वेरी कूल, यू आर पॉपुलर, डू यू वॉन्ट टू गो टू बिग बॉस हाउस? आई वाज लाइक, हाँ, मुझे सलमान भाई का घर जाना है। कोई आप मुझे गैलेक्सी बुलाएगा, मैं 100% गैलेक्सी जाएगा। तो कहानी ऐसा शुरू हुआ, मैं सोचा कि मैं सलमान भाई का घर जा रहा था, फिर मुझे पता लगा कि बिग बॉस और सलमान भाई दो दूसरे जन हैं, एक टीवी है और स्पीकर फोन है और एक सलमान भाई है। तो फिर मुझे पता चला, अच्छा, बिग बॉस एक आवाज़ है जो एक घर में है। पर उतना टाइम में मैं इतना एक्साइटेड था और मैं थोड़ा बोर्ड था ज़िंदगी में, तो मैं हाँ, क्यों नहीं, मैं जाएगा बिग बॉस घर, व्हाई नॉट। ओरी पीपल इन द हाउस विकी एंड ऑल दे वर सेइंग कि ओरी तेलका से इरिटेट हो रहा था जब वो डांस स्टेप्स आपको सिखा रहे थे और आप बाहर चले गए थे, इज इट ट्रू? मैं सोचा हिंदी में कैसा रिस्पॉन्स दे। हाँ, लोगों सब लोग घर में सोचा कि मैं तेलका का डांस के साथ थोड़ा काफ़ी इरिटेटेड हुआ, शायद मेरा मुंह भी वैसा दिखा अकॉर्डिंग टू द पीपल इन द रूम। पर ये सच नहीं है, क्यों, मैं भी एक क्रिएटिव आदमी है, आई रिस्पेक्ट क्रिएटिविटी, एंड व्हेन आई सी कॉन्फिडेंस आई रिवॉर्ड कॉन्फिडेंस। तो हाँ, मैं इतना हिंदी नहीं बोलता है, मैं शायद थोड़ा लाइंस उसका गाना में नहीं समझा, पर जितना इन्जॉयमेंट तेलका से बाहर आ रहा था वो इन्जॉयमेंट मुझ पर घिर रहा था और मैं वो इन्जॉयमेंट को इन्जॉय कर रहा था। जैसा आप समटाइम्स स्पैनिश सॉन्ग्स को सुनते हैं, समटाइम्स पंजाबी, स्मित पंजाबी नहीं बोल सकते पर मैं पंजाबी गाना को बहुत पसंद आते हैं, क्यों, द वाइब इज़ गुड, द बीट इज़ गुड, द साउंड इज़ गुड, द एनर्जी दैट कीप कॉलिंग हिम थेपला बट थेलका वॉज गिविंग ऑफ वेरी प्लेजेंट एंड इन्जॉयबल। ओपनिंग में जब मैं अंदर आया और मैं सब लोग को हाई बोला, वो टाइम जब वो गाने गाना लगा मेरा मुंह गिर गया, क्यों, आई वॉज इन शॉक, आई डेंट नो एम गोना कम एंड समवन इज़ गोना सिंग एट माई फेस इन सच क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बट आई एंजॉयड इट। वो मेरे लिए प्राइवेट परफॉर्मेंस भी किया, वो वन ऑन वन मुझे समझाया कि वो कैसा परफॉर्म करता है, एंड आई रिस्पेक्ट क्रिएटिविटी एंड आई रिवॉर्ड कॉन्फिडेंस। तो हाँ, शायद मैं हर लिरिक को नहीं समझा, बट आई अंडरस्टूड द फन एंड आई अंडरस्टूड द वाइब, एंड हाँ, मैंने मुझे मज़ा आया, क्यों नहीं, वाई नॉट। और मैंने अनुराग को भी बोला कि वो तेलका को चिल्लाया और तेलका को बहुत बुरा लगा, एंड आई सेड डोंट मिसअंडरस्टैंड माई रिएक्शंस, मुझे डायरेक्टली पूछो। मैं उसको बोला मुझे बहुत पसंद आया, डोंट रीड इनटू एनीथिंग, आस्क मी डायरेक्टली। और जब से आप बिग बॉस में गए तो काफ़ी एंटरटेनमेंट सेगमेंट हुआ है, तो इतने सारे कंटेस्टेंट में से आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और आपको क्या लगता है कि कौन जीत सकता है बिग बॉस? ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है। ना मुझे फेवरेटिज्म करने पसंद नहीं आता है, पर अंकिता जी मेरा पहला हग थी जब मैं हग था जब मैं एंटर किया, और वो मेरा आखिरी हग था जब मैं एग्ज़िट किया। वो मेरा पहला कप ऑफ चाय बनाए घर में, और वो सिर्फ विकी के साथ चाय बनाती है, और वो मेरे लिए बनाए, सो वेलकम वेलकम टू द हाउस। वो टाइम मुझे पता नहीं था कि दूध इतना वैल्यूबल है, राशन इतना वैल्यूबल है, मतलब मेरा पहला 5 मिनट में वो उसका दूध इस्तेमाल करके मेरे लिए चाय बनाया, इट्स अ वेरी बिग डील। जब वो मुझे हर हग की, मुझे घर में वेलकम की, सब लोग आए और मुझे वेलकम किया, मीनिंग शी सेट द स्टैंडर्ड, एवरीवन एल्स फॉलोड सूट, द एडवाइस शी गेव मी, द नॉन बायस ओपिनियंस ऑन एवरीवन, या वी रियली, आई मीन आई बॉन्डेड विद एवरीवन, बट वन शी वेंट आउट ऑफ अ वे टू मेक श्योर, you know, and she kept saying to me, she was like, I feel my life will be easier here because you're here, and I was like, my day has been easy because you're here. I entered so nervous,
so scared when I walked through the tunnel, not sure whether someone would attack me, hit me, drama, what fights could happen. Because maine kabhi pehla dekha bhi nahi, mujhe sirf, you know, I only knew that Pooja screaming video of Big Boss. That's Big Boss, right? That's all I knew of Big Boss, I guess, because I googled it before going in. I didn't know much, and she just took me in like a lost lamb. And who do I think will win? Sab log mein jeetne ka potential hai, par Vicky mastermind hai, wo jeet sakta hai, par Munna bhi mastermind hai, Munna bhai, wo bhi jeet sakta hai. Isha bhi total mastermind manipulator hai, wo bhi jeet sakti hai, very smart girl. पर मेरा मन से मन चिंटू जीतेगा, पता है क्यों? क्यों आई मीन नहीं जीतेगा, जीत सकता है, लाइक आई फील, बिकॉज ऑडियंस सब लोग को वोट आउट करते हैं, अंत में ऑडियंस का चॉइस है, राइट? और वो बहुत स्वीट दिखता है, वो हंसता है, वो एक्टिंग करते हैं, हे करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, एज ए नॉट वन यू आस्क हिम टू, इज ऑलवेज डूइंग इट, लाइक द एंटरटेनमेंट कमिंग आउट ऑफ चिंटू इज हैवी एंटरटेनमेंट. एंड आई फील दिस इंडस्ट्री एंड दिस शो is about three things: entertainment, entertainment, entertainment. और ये आप सिर्फ घर में दो दिन के लिए गए हैं. One and a half. अब तक बिग बॉस में ऐसा कभी नहीं हुआ. इसके पीछे रीजन क्या था? इतना जल्दी क्यों क्विट किए? और दूसरा क्वेश्चन ये था कि घर में जितने It's fine. I'll answer. उसके बाद में घर में जो अभी चल रहा सिनेरियो, सभी बोल रहे हैं मुझे घर से जाना है, घर से जाना है. वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस किया वहाँ? तो मैंने कभी नहीं बोला शो में कि मुझे घर से जाना है. मैंने कभी भी नहीं बोला वो मैं जाएगा, मैं 2 करोड़ देगा, मेरे पास 2 करोड़ नहीं है घर से निकले. कि मैं चुपचाप घर झाड़ क्लाइम करके जंप मारता था बाहर. नहीं, मैं वाइल्ड कार्ड नहीं था पूरा शो में. एक भी बार बिग बॉस का आवाज़ से और ही एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं बाहर आया, वो झूठ नहीं बोला. मैं एक सेलिब्रिटी गेस्ट प्रैंक कार था, मतलब मैं पहला सी सिर्फ एक दो रात एक दिन के लिए जा रहा था, वो प्लान था, वीकेंड को थोड़ा मसाला था. तो और आपको उस घर में किसी से पॉजिटिव वाइब्स या नेगेटिव वाइब्स ऐसा कुछ था? सब लोग के पास था पॉजिटिव वाइब्स, सब लोग के पास था नेगेटिव वाइब्स, सम मोर देन द अदर, सम लेस. हाँ, पर सब लोग के पास था पॉजिटिव और नेगेटिव. ऐसा कैसे, नाम पूछो, हाँ या मैं बोल सकते हैं. अंकिता थी पॉजिटिव और नेगेटिव, एज इन लाइक मैं आपको पसंद करता है उसका मतलब नहीं कि वो पॉजिटिव है. आई लाइक माई नेगेटिव फ्रेंड्स ऑल्सो. मैं आपको पसंद करता है डजंट मीन ओ शी इज पिटी एंड शी इज फन, उसका मतलब नहीं. लाइक आई विल लाइक माई फ्रेंड, आई लाइक माई फ्रेंड, यू कैन बी अ नाइस पर्सन एंड बी नेगेटिव, योर हार्ट कैन बी गुड एंड यू कैन बी अ डाउनर, यू नो. तो अंकिता में पॉजिटिव और नेगेटिव था, ईशा में और पॉजिटिव था नेगेटिव से. शी इज अ मोर हैप्पी गो लकी गर्ल देन, यू नो, बट खानजानी में बहुत नेगेटिव था. आई फेल लाइक देयर वाज अ डार्क क्लाउड ऑन हर हेड एवरी डे. आई मीन आई वाज ओनली देयर फॉर वन डे, बट लाइक द होल टाइम देयर वाज अ डार्क क्लाउड ऑन हर हेड, बट डजंट मीन शी इज एनी लेस देन द रेस्ट. आई थॉरली एंजॉयड हर कंपनी. इट्स लास्ट क्वेश्चन. और ये जानना चाहेंगे, यू नो, जब आप घर में गए थे समर, जैसे आपने कहा कि चिंटू को आप जीतना देखना चाहोगे, सो नावेद और मैं नहीं बोला कि मैं उसको देखना जीतना, मैं वो बोला, मैं बोला आई लाइक सीइंग हिम, मीनिंग आई फील द ऑडियंस वांट वोट आउट समवन दे लाइक टू सी. Also, before that, Navid और अभिषेक की you know, feelings के बारे में बहुत सारी बातें हुई है, but कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपको समर्थ के लिए soft feelings है? No. नहीं, बिल्कुल नहीं. जैसा इसको बंदर नहीं, नहीं. जैसा आप मूवी देखेगा और स्क्रीन पर एक्टर है, आपको उसको देखना पसंद है, इट्स एंटरटेनिंग. उसका मतलब नहीं कोई सॉफ्ट स्पॉट है. हाँ, जब वो ऑरी का फ़ैन खेला पार्टी सीन में, ही प्ले द रोल ऑफ ऑरीज फैन, टैटू लगाया मैंने लिपस्टिक के साथ, उसका चेस्ट साइन किया, हाँ वेरी क्यूट सॉफ्ट स्पॉट. नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, एंटरटेनमेंट. सॉफ्ट स्पॉट, सॉफ्ट स्पॉट अंकिता के लिए होएगा, क्योंकि हम लोग दोस्त थे. अभिषेक के लिए सॉफ्ट स्पॉट है क्योंकि उसका दिल टूटा है. हाउ कैन यू नॉट हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन हुज हार्ट इज ब्रोकन, हुज वॉल्स आर अप, हु इज वेयरिंग सच स्ट्रॉन्ग आर्मर? बिकॉज इमेजिन वो शो पर है, उसका एक्स गर्लफ्रेंड जो उसको प्यार करता है शो पर है, दे हैविंग अ गुड रिलेशनशिप, और फिर उसका करंट बॉयफ्रेंड जो आपको उसका पता भी नहीं है वो आता है. इमेजिन वॉट यू आर गोइंग थ्रू. इफ यू सी एनी वन गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, वेदर यू आर देयर फ्रेंड और नॉट, यू आर गोइंग टू हैव अ सॉफ्ट स्पॉट. थैंक यू गाइस. नहीं नहीं, थैंक यू. सलमान के साथ आपने जब बैग लेकर आए थे, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, कुछ अगर आप बता सके?
सलमान सर के साथ आपने मोबाइल आपने दिखाया बनाना वाला मोबाइल, कुछ अगर आप बता सके। बिल्कुल सही एक्सपीरियंस था, मुझे इतना मज़ा आया, उसको मज़ा आया, ऐसा आई डोंट थिंक सलमान हैज सीन अ फोन कवर सो क्रिएटिव लाइक दैट बिफोर। एंड फॉर मी टू बी हैव द ऑनर टू शो सलमान माय क्रिएटिव एक्सेसरीज, वेदर माय वाटर बॉटल और माय टी शर्ट, एंड टू डिस्प्ले द इनर वर्किंग्स ऑफ माय सूटकेस टू हिम वाज एन अ प्रिविलेज। थैंक यू सो मच लोकल टू डेट राइट नाउ। सब मेरा भाई बहन है, पिक्चर्स करवाएंगे ये हटा के पिक्चर्स करवाएंगे। अरे विजुअल्स मिलेगा, दो मिनट विनोद हाइट कम कर अपना। अरे ये क्या हो रहा है? हम सब की फोटो लो, कुछ कर दे यार, कम ऑन उरी। दिमाग मत खराब कर मेरा, तो बांद्रा में तू जाएगा मैं बंद करूंगा। रुको बाकी लोग नहीं बंद करते हैं। तू जाएगा तो बंद करूंगा। छोटू पीछे जाना, तेरे को जा सेंटर, रुक यहाँ पे, चलो नेक्स्ट बॉडी। ऊपर देखना दोनों जन, यहाँ पे नहीं।